नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे चार भाव की चर्चा कर रहे हैं अपन लोग। चार भाव में से अत्यंत भाव माने अत्यंत माने बिल्कुल किसी पर अत्यंत माने जैसे सख्त, मुझे तुमसे अत्यंत नफरत है, ऐसे अत्यंत अत्यंत की संधि विच्छेद कर अति का भी अंत, अति प्लस अंत, अति हो गई नहीं, अति की भी अंत हो गई, समझ गए, अति अंत ई और आ मिलकर त्य बन गया ना यहाँ पर अत्यंत अत्यंत। अति का भी अंत आ गया, मैं जैसे बिल्कुल अत्यंत अत्यंत थोड़ा बहुत नहीं बिल्कुल सोचना, ध्यान से सुनना, बहुत दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है, क्या मतलब? तो भगवान की भक्ति करें कि नहीं करें, क्या भगवान की भक्ति करें कि नहीं करें? सुनो, भक्ति इस अर्थ में करना बिल्कुल बिल्कुल सुख नहीं देंगे, बिल्कुल ज्ञान नहीं देंगे, बिल्कुल दर्शन नहीं देंगे, चारित्र नहीं देंगे, मोक्ष नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। आप करना है भक्ति, बोलो करना है, बोलो क्या? सारे जगत के देवी देवता कहते हैं भक्ति से खुश करो भगवान को, भगवान तुम्हें सुख देंगे, ज्ञान देंगे, छोकरा छोकरी देंगे, भगवान शादी करा देंगे, या क्या कह रहे? कुछ नहीं देंगे, बोलो करना। हाँ, सारे जगत की भगवान देवता क्या कह रहे हैं? खुश करो उन्हें, भगवान कुछ दे देंगे। याद कहते नहीं, अत्यंत सुना, भगवान का भक्त भी कहता है मुझे तुमसे बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इसलिए भक्ति कर रहा हूं। आपने मुझे अपने आधीन नहीं रखा इसलिए भक्ति कर रहा हूं। क्या कह रहे? आपने हमें बेवकूफ नहीं बनाया इसलिए भक्ति रख रही। आपने क्या कहा कि तेरा प्रभु तुझ ही में, मेरा प्रभु मुझ में ही बता रहा है इसलिए तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं, समझ रहे क्या? समझ गए भक्ति क्यों की जा रही है?
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। अनंत उपकार है उसके लिए जिन देव तुमको वंदना। कोई अपने अधीन करे तो कैसा लगे, आगे तुम्हें अपने गुलाम बनाते थे कैसा लगता था, हमारे भगवान कितने बढ़िया हैं, हमें अपने समान बना लेते हैं। भगवान हमें अपने समान बना लेते, बना नहीं लेते बताते हैं। देखो भगवान भी कैसे कुछ नहीं देते, भक्ति भी कैसा कुछ नहीं चाहिए, भक्ति कैसा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए क्या आपने बताई दी पूरा, प्रभु बता दिया आपने पूरा बता दिया, और अब चाहिए क्या, इसलिए तो महिमा आ रही है। जिनेन देव देते कुछ नहीं है, देखो क्या कहे भाई, अत्यंत अभाव कुछ देते नहीं, पंडित साहब की रचना में आता है आप नहीं देते हो कुछ भी भक्त स्वयं ले लेते आप कुछ नहीं देते फिर भी भक्त ले लेते, देखो आए समझ आ रहे कुछ, अत्यंत अभाव आप कुछ नहीं देते। सुना जैसे जिन्हें देव कुछ नहीं देते ऐसे गुरु भी कुछ नहीं देते, अच्छा कुछ नहीं देते इसीलिए तुमके संग रहते हैं, ये क्या चक्कर गुरु भी कुछ नहीं देते तो क्या गजब है, तो भी इतने शिष्यों में 56,000 शिष्यों के स्वामी कैसे गुरु हो गए। जगत में गुरु शिष्य अधीनता का संबंध है और यहाँ गुरु शिष्य स्वाधीनता का संबंध है, गुरु अपने में स्वाधीन है शिष्य अपने में स्वाधीन है, कैसे होंगे गुरु शिष्य, ऐसा संबंध नहीं है। जैसे जैसे दृष्टांत देखना समझना, जैसे रसगुल्ला लेके ऐसे चलो पीछे मक्खी घूमन लगी, ऐसे गुरु शिष्य का संबंध नहीं है रसगुल्ला मक्खी जैसा, अब क्या करें जय गुरु है जय देंगे मार चले चलो चले चलो, जब खुश होंगे तब दे देंगे चले चलो, सेवा करते रहो यज्ञ जब खुश हो जाएंगे तब दे देंगे, और कोई तो देगा नहीं जय देंगे नहीं नहीं, गुरु भी शिष्य को कुछ नहीं देते और शिष्य भी गुरु से कुछ नहीं लेता। कैसा मार गया क्या शब्द लिया था अभी आज पढ़ा था पाठ स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग, स्वाधीनता पर से नहीं निज से सदा आती कैसी आती होगी सोचो, सोच नहीं थे भगवान अभी गुरु का जिनवाणी भी जिनवाणी ज्ञान नहीं देती, हाँ जिनवाणी ज्ञान नहीं देती इसीलिए 5 साल पढ़ने पर भी ज्ञान ही नहीं हो पा रहे, डॉक्टर बन जाओगे फिलोसोफर बन जाओगे, अरे भैया जैसे डॉक्टर प्रसिद्ध हो जाते हैं इंजीनियर प्रसिद्ध हो जाते हैं ऐसे प्रसिद्ध जाओगे पंडित बन गए पंडित बन गए, नहीं नहीं सुनो विनय से ज्ञान आता है, जिनवाणी से ज्ञान नहीं आता क्या कह रहे हैं, क्या कमाल है विनय से ज्ञान आया था अपने आप, शिवभूति मुनिराज को विनय से ज्ञान आया था, शिवभूति मुनिराज का नाम सुना है, विनय से ज्ञान आया था, व्यवहार क्या है गुरु से ज्ञान होता है, व्यवहार क्या है शास्त्र से ज्ञान होता है, असल में कैसे होता है विनय से होता है, आचार्य कुन कुन विनय से ज्ञान हुआ,
आए समझ में? आई बात समझ में? अब ऐसे कुतर्क नहीं करना, न्याय शास्त्री कुतर्क करते, भगवान कुछ नहीं देते तो हम क्यों नमस्कार करें, हम क्यों मंदिर जाएं, क्यों पूजा करें, शास्त्र थोड़ी कुछ देता है, हमारा आत्मा हमेशा ही हो जाता है, जी कुतर्क है, ये अभी न है, सुनो इनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, हम इसलिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं अत्यंत भाव कि देश शास्त्र गुरु की महिमा ना करो, कि विनय नहीं करो, ध्यान रखना कुतर्क नहीं करना, भगवान नहीं देते हैं कुछ भी, सही बात है नहीं देते, लेकिन तुम्हारी विनय उनके सामने झुकेगी तो विनय से ज्ञान हो जाएगा। अरे समझ आ रहा है? भगवान कुछ नहीं समझाते, पता है समोसरण में अपनी विनय और भक्ति होती है उससे समझ में आ जाती। समझ आ रहा है? तुम डॉक्टर के पास जाते हो विनय से तो स्वस्थ होते हो, डॉक्टर के सामने लो हम, ए डॉक्टर है तू कौन सी जाति का है, देख मैं अमीर हूं और तू गरीब है, ले जल्दी इंजेक्शन लगा ठीक कर, होगे तुम अमीर, होगे तुम क्या कहलाते मंत्री, होगे तुम विनय करो, ये तो प्रैक्टिकल करके देख लेगा, जितना अहंकार हुआ उतना ज्ञान नष्ट होता है। भावदीप का पढ़ना, भावदीप का में उदीर्णा का प्रकरण पढ़ना, अहंकार से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है और विनय से अप्राप्त ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। समझ गए क्या कह रहे? कुतर करके ऐसे न्याय शास्त्री नहीं बनना, भगवान क्या देते हैं, मंदिर जाए क्या करेंगे, उधर क्या होगा, क्या होगा? अत्यंत आवास में आ रहे, एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ करता नहीं है, तो इसमें भक्ति कैसे आ गई? इसीलिए तो भक्ति आ गई, इसीलिए तो विनय हुई। वो ऐसा कौन है जगत में जो अपने आधीन नहीं करता, ऐसा कौन है जो अपना गुलाम नहीं बनाता, ऐसा कौन है जो अपने केवल ज्ञान की महिमा दिखा के ऐसा करता? अरे धन्य प्रभु, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहुं लोक में अनुपम जताया, भक्ति आ गई। भगवान से कुछ मांगना व्यापार है, क्या कह रहे व्यापार, नमस्कार कर रहे थे क्यों, इतने से हाथ जोड़ने तो मोक्ष ही नहीं, प्रभु मोक्ष मिल गया इसलिए नमस्कार कर रहे हैं, मिल ही गया, हे प्रभु आपको नमस्कार किया था, हमें लग रहा है मोक्ष ही मिल गया, पढ़ना पंडित साहब की रचनाओं में, प्रभु मिले माने मोक्ष ही मिल गया, ये भगवान मिले मोक्ष कैसे मिल गया, तुम दर्शन पाए प्रभु मेरे को अपनी निधि मिल गई, मैं ऐसे पाठों में देखो तो मैं बीमार हूं और डॉक्टर मिल जाए सही टाइम पे कैसा लगता है, सही डॉक्टर मिल जाए, सही डॉक्टर नंबर वन जिसके जो इलाज ठीक कर देता है, ऐसा डॉक्टर मिल जाए सही समय पे, हार्ट अटैक का कोई सा भी हो तुम्हें हार्ट का तकलीफ हो, सही समय पर डॉक्टर मिल जाए कैसा लगता है सुरेश जी, डॉक्टर नहीं मिला मुझे मेरा स्वास्थ्य मिल गया, मेरा रोग चला गया, डॉक्टर को देखते ही दर्द खत्म हो जाता है, अरे भैया डॉक्टर अब तो ठीक हो गए, अब तो ठीक, अब बहुत अच्छा लग रहा है, लो अच्छा काहे लग रहा है, डॉक्टर नहीं मिला, भगवान नहीं मिले, देव नहीं मिले, शास्त्र नहीं मिले, मुझे मेरा मोक्ष मिल गया, क्या कह रहे भक्ति से मारी भक्ति भक्ति, व्यापार नहीं करना देव शास्त्र गुरु से, क्या फायदा जी, हम पास तो कर नहीं देंगे, जब हम पास तो नहीं करते हैं मंगलवार के दिन, चलो भी पास कर देते हैं, मंगलवार के दिन कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे मंगलवार भी पास कर देंगे, जी पास नहीं करते फिर कर देंगे, पंडित साहब इतनी अच्छी भाषा में जो यहां नहीं मिलता वो कहीं नहीं मिलता, तुम क्या सोच रहे यहां नहीं मिलेगा तो वहां मिल जाए, जो यहां नहीं मिलता वो
कहीं नहीं मिलता, और जो यहां मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। क्या मतलब? जो यहां मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, और जो यहां नहीं मिलता वो भी कहीं नहीं मिलेगा। कहां जाओगे? तो नहीं नहीं मंगलवार प्रसिद्ध है, शनिवार प्रसिद्ध है, अला प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध नहीं है गरीब मिथ्या। नहीं नहीं कहीं भाषा, संस्कृत में बोलो बढ़िया, न्याय की भाषा संस्कृत में बोलो, न्याय की भाषा। नान्य था साध्य सिद्धि, क्या कहा है सुना है? याद रखना ना, अन्यथा साध्य सिद्धि। हाँ, अन्य अन्य प्रकार से नहीं होता, नहीं होगा। चलो, अत्यंत भाव के आश्रय से भक्ति प्रकट हो गई, सच्ची भक्ति प्रकट हुई, सच्ची निष्काम भक्ति इसको कहते हैं, निष्काम भक्ति, निष्काम भक्ति। हाँ, निष्काम माने, निष्काम मतलब जिसके पीछे कोई बांछा नहीं, अब कोई कामना नहीं रही। क्यों नहीं रही कामना? अरे भगवान ही बन गया और क्या चाहिए, भगवान बनने का मार्ग मिल गया और क्या चाहिए। अज्ञानी क्या कहते हैं पता है? भगवान हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस शादी करा दे। इसका मतलब क्या कह रहा है पता है? हमें आपसे मोक्ष नहीं चाहिए, हमें आपसे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं चाहिए, बस शादी करा दे। माने वो क्या ठोकर मार रहा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए मोक्ष को ठोकर मार रहा है, हमें शादी करा दे, नौकरी लगवा दो भगवान, बस हमारी इतनी सुन, इतनी सी सुन दो, इतनी सी नौकरी लग जाए। अच्छा नौकरी लगा दी, अब अनंत काल का सुख हो गया? कितने दिन करोगे नौकरी? कितने दिन रहेगा शादी का सुख, व्यापार का सुख? समझ गए? आपने मुझे मोक्ष दे दिया, अब मुझे क्या चाहिए? शरीर जाए चला जाए, बीमारी आए आ जाए, उपसर्ग आए आ जाए, अरे तो अब तो मुक्ति ही मिल गई, अब चिंता नहीं रही। समझ गए? अत्यंत भाव। चले आगे चले। हाँ, पॉइंट बदली है ना, समझ में आ गए पॉइंट? भक्ति निष्काम अत्यंत अभाव, मैंने बिल्कुल अभाव, बिल्कुल अभाव माने अब चार अर्थ करेंगे इसमें, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व। अत्यंत अभाव मतलब एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, इसे ना चार, बिल्कुल अभाव। सुखी सिद्धि बिल्कुल नहीं होगी, क्या कह रहे? अत्यंत अभाव मतलब सुख की सिद्धि बिल्कुल नहीं होगी। दृष्टांत, दृष्टांत, पानी में से कितना घी निकलेगा? पानी में से बताओ, पानी में घी कितना निकलेगा? नहीं नहीं, आगरा का पानी, बनारस का पानी, हिमालय का पानी, हिमाचल, गंगा का पानी, बोलो कोई सा पानी हो, कितना घी निकलेगा बोलो? एक ग्राम, इसको कहते हैं अत्यंत अभाव। रेत में से तेल कितना निकलेगा? अत्यंत अभाव, बिल्कुल ही नहीं है। समझ गए? अब पॉइंट बदल रहे जैसे हैं, बिल्कुल ही अभाव है, बिल्कुल। सुनो, अब सुनो ध्यान से, बोलो अत्यंत अभाव, बोलो। जैसे रेत में से तेल नहीं निकलता, पानी में से घी नहीं निकलता, ऐसे ही पैसा में से सुख नहीं निकलता, वो में से सुख नहीं निकलता, टीवी में से सुख नहीं निकलता, मोटर गाड़ी बंगला में से सुख नहीं निकलता। समझ गए क्या कहा? क्या कहा? पूरी जिंदगी निकल उसी में लग गई, अनादिकाल से, अनादिकाल से तुम रेत में से तेल निकालने का उपाय कर रहे हो। क्या बोल रहे हैं? अनादिकाल से रेत में से तेल निकालने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं, जमुना की नहीं, गंगा की रेत ला, नहीं नहीं जर्मनी की रेत ला, जर्मनी की रेत नहीं, कोरिया की ले आओ, कोरिया की, चाइना की ले आओ। तुम रेत बदलते रहे, रेत बदलते रहे, समझ गए?
सुख के नाम पर विषय बदलते रहेगी। समझ गए अत्यंत हवा को मतलब सुख के नाम पर डाली सिर भारी हो रहा है, कौन अंदर ठंडा रहे जी, जरा सिर भारी हो अपने आप हटा लो। समझ में आ रहा है कुछ, विषय बदलते रहे नहीं, इस पिक्चर में मजा नहीं आया, वो पिक्चर देखी, वो पिक्चर नहीं वो देखी, वो आगे समझ में आया। अत्यंत भाव का मतलब विषय में से सुख, अत्यंत भाव बिल्कुल नहीं। पूरी पूरी सामग्री का त्याग हो गया, इसमें शादी कर लो मजा आ जाएगा, बच्चे हो जाएंगे मजा आ जाएगा, झूठ बोलते हो झूठ। मकान बना लो अच्छा, एक दिल्ली में एक बढ़िया मकान बना लो, तंदर एक बढ़िया मकान, नौकरी के बाद आलीशान महल बनाऊंगा। उदयपुर का महल बनाया था महाराणा प्रताप ने, बहुत बड़ा महल बनाया था, और देह कहाँ छूटी, जंगल, पत्नी और बच्चों के साथ भटकते फिरे वहां, अकबर के भय से पूरी जिंदगी हैरान रहे, और हाथ में से रोटी ले गया वो घास की। महल बनाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा, नहीं नहीं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग स्वर्ग जाओगे तो क्या हो जाएगा, अत्यंत अभाव है, स्वर्ग में सुख का बिल्कुल अभाव है। कोई समझ में आ रही बात, बिल्कुल अभाव है स्वर्ग, नहीं नहीं मैं स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा तो स्वर्ग में क्या निहाल हो जाएंगे, अच्छी अच्छी लाइन बोलो, निज आत्मा के सिवाय जहां नजर जाती है वहीं बोर्ड दिखाई देता है, मेरे पास सुख नहीं है। अत्यंत अभाव मतलब क्यों, जिस दुकान पे तुम जा रहे हो पहले लिखा है यहां नहीं मिलेगा, फिर जाती हो, मतलब जिस दुकान पे जा रहे हो हम पहले ही मना ही लिखी है, पुद्गल पे जाके देखो क्या लिखा है, हमारे पास सुख नहीं, बताओ कौन सी परिभाषा में लिखा है पुद्गल में सुख है, बताओ द्वादश अंग में कौन से पन्ने पे लिखी है पुद्गल में सुख है। अरे वाह कैसे नहीं, ऐसे हाथ फेरते कितना मजा आता है, क्या जब लड्डू खाते तो कितना मजा आता है, मोटर कार में घूमते हैं चार से दो, और हमें बुंदेलखंड की भाषा में ठिल ठिला रहे, सच्ची घटना है 3 दिसंबर की राजनांदगांव की, कोचिंग के बच्चे और टीचर कोच और सब बच्चे, चलो आज 3 दिसंबर है मस्ती करके आए, 3-4 कार में 10-15-25 लड़के सवार, हा हू सीटी मार रहे, चले जा रहे, पी रहे हो बजाते जा रहे गाते जा रहे, एक्सीडेंट मर मर आए। अरे सुख नहीं है, सही बता ना, अभी सब लोग ऐसी यात्रा कर रहे हो तुम्हें भी ऐसा, अपन अकेले अकेले आए, अपन अपन आ गए, धर्मात्मा धर्मात्मा इसलिए मजा नहीं ले पा रहे, देखो भी आते हैं भी लड़का लड़की मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, मुक्का बनाते हैं, सेल्फी और देखो ठिलाते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, कहाँ लिखा बताओ पुद्गल की कौन सी पर्याय में सुख है, 1 किलो सोना पहनने पर क्यों हीरे की अंगूठी मिल जाए, सुख कैसे हो गया, हमें तो ये समझाओ, सगाई में हीरे की अंगूठी मिल गई 1 करोड़ की, लड़का बड़ा खुश, खुश कहाँ से हो रहा है तो बता दो, समझ में आ रहा है, एप्लाइड पढ़ा रहे एप्लाइड, तुम तो हमें ये समझा दो आज कि कौन सी चीज में से सुख, मेरा सुख अनंत में नहीं है, सिद्ध में नहीं है, आचार्य पद है, साधु में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, हाँ बोलो और बोलो कौन सी सामग्री में है, अच्छा अच्छा वाला कपड़ा, मकान, कार, बोलो हवाई जहाज, पहली बार हवाई जहाज में बैठोगे तो कैसे बैठोगे, मैं जा रहा पंडित जहाज था हवाई जहाज जा रहे और सरकारी पैसे से जा रहे, वाह वाह। एक राज्यपाल थे, राज्यपाल कश्मीर के राज्यपाल, उन्होंने अपनी लड़की को जवाई को दामाद को ऐसा सबको बुला लिया, सब क्या राज्यपाल थे जितने अपने रिश्तेदार थे उन सबको बुला लिया, एक हेलीकॉप्टर में बैठ के घुमाने लगे, सरकारी हेलीकॉप्टर राज्यपाल घुमाने लगे, टकरा के वहीं फ्री का मजा, फ्री का मजा देखो, अपने पूरे कोनवे को लेके मर गए।
कुछ समझ में आ रहा है? मजा कहाँ है ये तो बताओ। अभी 2 साल पहले या इसी 1 साल पहले सनावत का पंचकल्याण का, सनावत का पंचकल्याण अभी था उस समय, वो पावागढ़ में, पावागढ़ अपने मड़ौदा के पास पावागढ़, वो झूला रहता है झूला, राम झूला लक्ष्मण झूला, एक बेचारे सब लोग कोई हैप्पी न्यू ईयर मनाने गए थे 1 तारीख को, चला पा सब लोग मजे कर सब परिवार पे, और उसमें बैठ गए रस्सी के झूले में, धा वहीं टूट गया, मर मरा है, गिर गया वहीं, क्या है क्या? जिन्हें मानता सुख निधान तू, पूछे उन्हीं से मन की बात, समझ गए? तुम्हारे दुख बोलो दुख, उस पंडित जी एक ही दुख है भाई साहब, एक ही दुख है क्या? बस एक अच्छी कार नहीं है, एक मकान नहीं है, एक पत्नी नहीं है, एक बच्चा नहीं है, माने लिस्ट है, झूठ बोलती हो, भरपूर भगवान है, जिसे देखने के बाद कुछ कमी नहीं लगती, जैसे अनुभव करने के बाद कुछ चाहिए नहीं पड़ता। अब एक काम करो, अभी हम प्रवचन कर रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात, अभी तुम सब लिस्ट बनाओ तुम्हें क्या दुख है। वैसे तो हमारे घर में अच्छे माता पिता हैं, भाई बहन है, शरीर है बढ़िया सब अच्छा, एक यार एक काश, अब जो एक काश ही और होता। सुनो इस भगवान तत्व को जानने के बाद सोचो तो मुझे पास ये सब भी नहीं है फिर भी सुखी है। सोचो महिला के पास रेल नहीं है, कार नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, सुविधाएं नहीं है, सुखी कैसे? हाँ तुम्हें भरपूर भगवान मिला, उसे छोड़ने के बाद तुम भीख मांग रहे हो। अच्छी भाषा में बोलो, अपनी प्रभुता भूलने पर ही जी को भीख मांगना पड़ती है। क्या बोल गए? अपनी प्रभुता भूलने पर ही जी भीख मांगता है। भीख मांगते तुम? मांगते नहीं मांगते? ये तो भीख मांग रहे कि नहीं मांग रहे, पूछे कौन से मांग रहे? आज पढ़ा था उसमें, अभी पाठ पढ़ा था, इसीलिए हमने पाठ पढ़वाया। एक पाठ रोज पढ़ोगे पंडित साहब की रचना तो मजा आएगा। भोगों का है दास वो सब जग का दास है, प्रभुता उसके पास है, इच्छाओं का दास वो सब जग का दास है। अपनी भरपूर प्रभुता देखोगे तब भी मांगना बंद कर दो। क्या शरीर चाहिए? नहीं चाहिए। कपड़े चाहिए? नहीं चाहिए। फोर नहीं चाहिए, क्या करेंगे? क्यों तो फिर अपन कल से भोजन नहीं करेंगे? अरे करोगे नहीं करोगे, जो इसे मिलना हो मिल जाएगा, हम तो इसका हिसाब थोड़ी रखेंगे। क्या कह रहे? हम चेतन ये मुर्दा, हम इसका हिसाब रखें दिन भर? नहीं नहीं साहब बताओ आप क्या खिलाए इसको, अब क्या खिलाए? अरे इसे जो मिलना हो मिल जाएगा, हम मुर्दे का हिसाब नहीं रखेंगे, हम अपने चेतन का हिसाब रखेंगे। सुनो ऐसा होने पर भी इसे उदय प्रमाण मिलता ही है, तुम चिंता नहीं करोगे तो भी मिलेगा। बोलो आए समझ में? क्या तुमने आज सोचा था कक्षा में बैठ गए थे सुबह सुबह तो फिर पानी नहीं होगा लो, अब तुम उदय था इसे मिलने का, तुमने तो नहीं सोची थी नींबू पानी उस कमरे में आ गया तुमने सोची थी क्या? तुमने सोची थी 4-5 दिन में खजूर नहीं मिले तुम्हें, डेट्स आज मिलेंगे? जब नहीं चाहा तब आ गए सामने, और हिसाब लगाते रहो तो दुखी बने रहो। कुछ कह रहे थे अत्यंत भाव, फिर से ओहो, अब जरा शांति से देखो, अत्यंत भाव से सारा विश्व में कहीं मेरा सुख नहीं है और मेरा सुख मेरे में ही है। पंडित साहब की रचना ही बहुत अच्छी, कल पढ़ना संबोध नाष्टक। हुआ न होगा कोई सहाय झूठी आस तजो, हुआ न होगा कोई सहाय। क्या बताएं पंडित जी, बहुत दुखी है संसार। क्यों? कोई साथ नहीं देता, भाई कुटुंब देवर जेठ फला मामा फूफा कोई साथ नहीं। अरे हुआ ना होगा कोई सहाय झूठी आस तजो,
जी लाइन तो चलो ऐसे, अब दूसरी लाइन से अच्छी है। नहीं जरूरत भी तुमको बस अपनी और लखो, क्या कह रहे तुम्हें जरूरत भी तो नहीं है। क्यों हीरे को चमकने के लिए किसकी सहायता की जरूरत है? हीरे को चमकने के लिए सोने की जरूरत है, सुनार की, राष्ट्रपति की, कीचड़ में बड़ा खिला है तो कोई जरूरत नहीं उसे। ऐसे शुद्धात्मा का अनुभव करने वालों को किसी की दरकार नहीं है। मतलब कितनी कितना अत्यंत आवश्यक समझ आ रहा है, कितना गरिष्ठ पाठ है। अभी चरणांगी हो गए तुम्हारी मां से, सारे विश्व से उदास, सब है ही नहीं कहीं। हे भगवान सही ठीक से पढ़ना जाए, ठीक से पढ़ना जाए, अरे मत पढ़ना, हमारा क्या जा रहा है, अत्यंत आवश्यक समझे। आगे अब तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट, करणानियों की टेंशन मिटाएंगे। अभी चरणानियों की बात आएगी, अब करणानियों की टेंशन मिटाएंगे। करणानियों क्या है? करणानियों जो पढ़ाया जाता है ना, इस बात को पढ़ाया जाता है, इतने कर्म, इतनी प्रकृतियां, इनके उपवेद 148 प्रकृति, फिर उनके भी असंख्यात असंख्यात वेद, और इनको नष्ट करना पड़ता है, अनादिकाल से जड है प्रकृति, प्रकृति से 148 प्रकृति ऐसी मजबूत, ऐसे कर्म बांधे और घोर कर्म बांधे और काटना पड़ेगा, ये सब पढ़ा है। करणानियों पढ़ोगे अत्यंत भाव क्या कह रहा है? आज तक ना हमने कर्म बांधे हैं और ना हम कर्म काटेंगे, कल पढ़ाएगा। अब कितनी टेंशन है तुम्हें, कर्म बांधे कर्म काटो, कर्म बांधे कर्म काटो, अरे ना बांधे ना काटना है, चिंता नहीं, वे कटेंगे स्वयं, हमें क्या करना, वे कटेंगे। आगे सर मैं बहुत बड़ी टेंशन मिल गई, कर्मों को बांधना नहीं काटना नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं। आगे समझ में आए? अत्यंत अभाव, ठीक है। चलो हम सबको सबको क्यों, कोई हमें सुखी तो नहीं करता लेकिन दुखी तो करता है, ये भी चर्चा कल हुई थी, कल हुई थी, कब हुई थी, कोई हमें सुखी दुखी करता है नहीं हुई, हुई है थोड़ी सी, हुई थोड़ी, आश्रम बंद में कह दिया था, अजीब में कह दिया था थोड़ा सा, अजीब में कहा था कोई सुखी तो अभी लगा लो, सारे इसमें कोई तो हमें दुखी नहीं कर सकता, क्यों अत्यंत भाव है। याद आ गई, आज तक कोई ऐसी सास नहीं जिसने बहू को दुख दिया हो, कहा था प्राग भाव नहीं अत्यंत भाव, आज तक अजीब में कहा था, जीव अजीब को, जीव अजीब में कहा था। अब तुम क्यों डर रहे हो, कोई हमें दुख दे देगा, कैसे दे देगा दुख, सुख अभी अभी कई चर्चा की, सुख नहीं देता, अभी कहा था एक तरफ दूसरे को सुख नहीं देता और दुख नहीं देता, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें, द्वादश अंग पढ़ रहे हो तुम, द्वादश अंग चार अभाव है, क्या बताऊं पंडित जी, मैं इतना अच्छा लड़का था, इतना शांत था, बस जी गुस्सा करा देती, इनकी शकल देख के गुस्सा आ जाती है, वाह तुम्हें गुस्सा कौन करा देता है। कई बच्चों को लगता है पापा की शकल देखते ही मूड ऑफ हो जाता है, वाह ऐसा लगता है मेरे दोस्तों के सामने पापा ना आ जाए, वाह वाह बहुत बढ़िया, पापा देख के तेरे मूड खराब हो जाता है, तो तुम एक काम कर, तेरा मूड भगवान को देख के खुश होता है, भगवान देख पापा से तो बढ़िया है तेरे भगवान, भगवान मिथ्यादृष्टि की यही पहचान है, मिथ्यादृष्टि की पहचान, मैं सुख दुख का रो श्रेय दूसरों को देता है, क्या करता है वो? क्या वहां से बोले, सुख का आरोप लगाता है, दुख का आरोप लगाता है, ब्लेम 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 करता है, क्या होता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मामा खराब है, पत्नी खराब है, बच्चे खराब है, एकदम गुस्सा आ जाता है, एकदम गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है, ये बात तो सही है लेकिन बेद दिला देते हैं। आपको पता है लोक में हत्या कौन करता है, ये मर जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, हत्या कहीं करता है, जब तक ये जिंदा रहेगा मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, इसीलिए तो मर्डर कर देते हैं जी। सुनो अत्यंत भाव जानने के बाद मर्डर करने के बाद हमेशा अगली खत्म हो गया,
लो पूरा अपराध शास्त्र पढ़ा दिया, क्या कहला दी क्राइम, क्या होता तुम्हारे कानून में कभी हत्या करने का भाव नहीं आया, क्यों नहीं आया, वो दुखी कर कब रहा है। हाँ परिवार से बनाओ, जब तुम दुखी होते हो तो उस पर आरोप आता है, इसकी शकल देख के गुस्सा आता है। अरे शकल देख के नहीं आता तुम्हें गुस्सा आता है, तुम मां शकल देखती हो, क्या बोलेंगे जल्दी से तुम गुस्सा होते हो तब उसकी शकल दिखती। ट्रोडोबल जी ने क्या लिखा है पता है, पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा मोक्ष में प्रकार है, जब कोई नहीं होता है तो ये अंदर ही अंदर सोच सोच कर उस पर क्रोध करता है। कैसे करते हो सोच सोच, कैसे करते हो, अब कोई है नहीं वहां, सोच सोच खुद ही करता रहता है, सामने का लक्ष्य कर करके विचार कर करके। जैसे तुम विदाउट टिकट ट्रेन में जाओ, अब कौन से डर रहे तुम, अभी टीसी तो आया नहीं चार घंटे तक टीसी नहीं आया, और सोच सोच के वो आएगा तो ऐसे बोलूंगा ऐसे बोलूंगा मैं ऐसे बोलूंगा मैं कह दूंगा। हाँ अपने आप ही आपको पता है 24 घंटे चलता है आपका, 24 घंटे चलता है 24 घंटे। दुख इसे देता रहता है इसका ही भीषण अज्ञान, आगे समझ आ गया अत्यंत अभाव। तुम कौन से परेशान, क्या बताएं क्या बताएं, क्यों बात एक काम करो तुम सारी दुनिया से मिल के आओ, तुम क्यों परेशान क्या बताएं, मैं यहां से शायद हो क्या बताएं डट डट डट, सारे चोर परेशान है पुलिस वालों से, सारे पुलिस वाले परेशान है कलेक्टर से, कलेक्टर परेशान है विधायक से सांसद से, सब परेशान है, सब एक दूसरे परेशान है। दुखी कोई करता है, सुखी कोई करता है, ब्लेम खत्म करो अब सोचो कितने सुख का मार मिल गया, ब्लेम जब रख गई अब एक कदम और आगे, कोई परिणाम सुधारने का निमित्त नहीं और बिगाड़ने का निमित्त नहीं, क्या कह क्या बताएं, आजकल ऐसे पोस्टर हैं पिक्चरों के परिणाम बिगाड़ देते, नहीं नहीं तुम झूठ बोलती हो, विश्व में ऐसा कोई पोस्टर नहीं जो परिणाम बिगाड़ दे, भगवान का क्यों नहीं बिगाड़ती, उन्हें तो 3 काल के पोस्टर दिख रहे, समझ गए पंडित जी, 14 काल अच्छा था जब मोबाइल नहीं थी आजकल तो मोबाइल है, आजकल तो इंटरनेट है, आजकल तो फला है, आजकल तो जी आजकल कॉलेज खराब है, आजकल ये दोस्त खराब है, तुम झूठ बोल रहे हो। मित्रदर्शी की पहचान, हाँ समझ गए, तब हम क्या करें, क्यों तुम्हारे लिए अलग दुनिया बनाए, एक अलग भारत बनाए, एक अलग भारत बनाए जिसमें तुम रहोगे, जिसमें कोई टॉकेज नहीं होगा, जिसमें फला नहीं होगा, जिसमें कुछ नहीं होगा, जिसमें समझ गए। मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं, ब्लेम करता है इनकी वजह से, इनने परिणाम खराब कर दिए, क्या बता पंडित जी, बिल्कुल खाने का विकल्प नहीं था, हम भाई यहाँ से चले गए किचन में और खुशबू कहाँ बताए इतना बढ़िया बनाती काकू, हम ज्यादा खा लेते इतना टेस्टी नहीं बनाना चाहिए भाई, ऐसा नहीं करो तो ठीक है भाई कल करेली बना दे आगे समझ में आ रहा कुछ, ओ यदि तुम अपने को समर्थ अनुभव करो तो सारा विश्व मिलकर परिणाम खराब नहीं कर सकता, ये हो गया ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इतना सरल है ब्रह्मचर्य, अत्यंत भाव से ब्रह्मचर्य क्या बोला अत्यंत भाव से ब्रह्मचर्य, सारा विश्व मिलकर परिणाम नहीं बिगाड़ सकता हमारा, क्या बताएं पंडित जी बड़ा मुश्किल है ब्रह्मचर्य, बड़ा मुश्किल है, दुनिया खराब है, दुनिया खराब है कि तुम खराब हो। एक कहानी है छोटी सी बौद्धों में सब है तो पॉपुलर, बौद्धों ने अपने साथ शाब्दी से बौद्ध का कहलाती हो कहानी तो फेमस है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि,
एक व्यक्ति एक गांव में पहुंचा, एक व्यक्ति किसी गांव में पहुंचा, उसने बाकी व्यक्ति से पूछा ये गांव कैसा है, ये गांव कैसा है। तो उस गांव के व्यक्ति समझदार था, बुजुर्ग आदमी था, बोले तुम कहां से आए, उस गांव जैसा आए तुम जहां से आए ना उस गांव जैसा है। अरे तो बहुत बेकार हमारा गांव जी, तुम्हारा गांव जी, हमारे गांव के लोग तो बहुत खराब है। तो बोले जी खराब, यहां भी खराब है। अभी दो जने बात कर रहे, एक और व्यक्ति आ गया दृष्टांत, एक और तीसरा व्यक्ति आ गया, क्यों ये गांव कैसा है। घूमने वाले सड़क पर रहते, हाईवे पर घूमने वाले, और तीसरे ने पूछा क्यों जी गांव कैसा है। तो उसने उसको भी नहीं कहा तुम्हारे गांव जैसे ही है, इतना बढ़िया, हमारा गांव तो बहुत बढ़िया, हमारे गांव के लोग बहुत बढ़िया है, गरीब भले ही है लेकिन खूब सेवाशील है, सहायक है, ऐसा है वैसा है, बड़े भैया मिलनसार है, हमारे गांव जैसा। तो पहला वाला बोले ए, तो हमसे तो कह रहे थे खराब है और इनसे कह रहे अच्छा है, समझ गए। अभी थोड़ी देर पहले तुमने हमसे क्या कहा था तुम्हारे गांव जैसा, हमारे गांव तो खराब था, ये भी खराब, और इनसे क्या कह रहे तुम्हारे गांव जैसा, ये कह रहे अच्छा, तो ये गांव अच्छा है कि बुरा है। तो उस व्यक्ति ने कहा जैसी दृष्टि, अभी तुम पर्वत पे जाते हो एक काम करो, कल खाने पीने का सामान ले जाओ, गाने बजाने का सामान ले जाओ, इन्हीं पर्वतों में तुम्हें आश्रय बंद हो जाएगा, खोटी परिणाम होने लगेंगे, अय्याशी चाहने लगेंगे इन्हीं पर, और इन्हीं में तुम स्वाध्याय लेके जाओ, भक्ति लेके जाओ, चर्चा लेके जाओ, हाँ देखो मुझे आ जाओ कि आना है, ऐसा लगे चार साल मुझे आ जाओ, मुझे आ जाओ। देखो जैसी दृष्टि अगली बार आएंगे तो ऐसे ले जाएंगे, खाने पीने का सामान ले जाएंगे, गाने बजाने के ले जाएंगे, और साथ में चार छह लड़के लड़की दोस्त होंगे सब, ओ मजा आ जाए। देखो वे उसी जगह को देख कर कैसे प्रणाम कर रहे, और ब्रह्मचारी कैसे प्रणाम कर रहे, मुनिराज कैसे कर रहे, बोलो सुनो, उस चट्टान पर बैठने से प्रणाम नहीं सुधरते, यहाँ विरक्त होते हैं फिर बैठते तब मोक जाते हैं। तुम उन्हीं चट्टानों पर लेट जाओगे और सेल्फी खींचोगे, समझ गए, उसी चट्टान पर सेल्फ को देखते हैं और तुम सेल्फी को देखते हो, क्या कह रहे सेल्फ को देखने वाले मोक्ष ले आते हैं और सेल्फी देखने वाले जैसी दृष्टि। बताओ इसमें कौन सुख देता है, कौन दुख देता है। सारी कंप्लेंट मिट गई, आज के बाद हमारी कंप्लेंट मिट गई अत्यंत भाव पड़ गई, किसी से अब किसकी शिकायत करें, क्यों तुम्हें दुनिया से क्या शिकायत है, कोई शिकायत नहीं। नहीं बोलो बोलो पंचम काल का, पंचम काल बोलो बोलो दुष्ट लोग नहीं का दुष्ट, बोलो कोई कंप्लेंट हो तो बोलो, अत्यंत अभाव का उपकार है, इसका नाम वीतरागता है। लो अत्यंत अभाव में से वीतरागता निकल आई, क्या कह रहे अत्यंत अभाव में से वीतरागता, कोई कंप्लेंट नहीं। सोचो सोचो बहुत मजा आएगा, अत्यंत अभाव में से वीतरागता। चंदन वाला को सेठानी से कोई शिकायत नहीं थी, देखा है नाटक, चंदन वाला भेज दिया था और सेठानी ने उसके बाल काट दिए थे और चंदन वाला कोई शिकायत नहीं। हाँ यही सम्यक दृष्टि है, जैसे किसी से कोई शिकायत नहीं। श्वेतांबर ने नाटक में एक शब्द का प्रयोग किया है, फरियाद है उर्दू का, उर्दू का शब्द फरियाद, फरियाद समझते हैं। तो चंदन वाला से पूछती है बेटा तेरी कोई फरियाद होगी भगवान के चरणों में, कोई फरियाद होगी। तो उसने मालूम क्या जवाब दिया, मुझे फरियाद ना आवे बस इतनी फरियाद है। समझ गए, अब मुझे याद ना आवे बस इतनी फरियाद है, माने कुछ कामना नहीं है, बहुत अच्छा है। देख तुम गुजराती समझ, बहुत अच्छे अंश हैं उसके नाटक के, गुजराती में बहुत प्यारा नाटक, बहुत मन विभोर हो जाता है देख कर, अच्छा अच्छा नाटक है।
आए शनिवार बोलो, अब जी महापुरुष बनने के लक्षण है, कोई कंप्लेंट नहीं। पांडव कोई 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 कंप्लेंट नहीं। झगड़ा किसके लिए हुआ है जो हमें चाहिए ही नहीं था? झगड़ा किसके लिए हो रहा है? क्या करेंगे बताओ? पांडव को राज मिल जाता तो अमर हो जाते क्यों? पांडव को राज मिल जाता तो मोक्ष नहीं जाते, वहीं रुक जाते, बैठ रहे थे हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में। क्या करें? कंप्लेंट समझा नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। अब सोचो कितने बीत रखता है, कितने झूठे प्रयत्न करते हैं हम सुखी होने के लिए। क्यों? कितना बढ़िया बंगला बना लेगी, मौत नहीं होगी। कितने बढ़िया बिस्तर होंगे, फिर नींद लग जाएगी। कितनी अच्छी पत्नी बच्चे मकान दुकान पति भाई बंधु होंगे, मरने से बचा लेंगे। सुना जी, मरने से बचा लिया। कुछ कह रहा हूं जल्दी से सुनना। अत्यंत भाव समझने में आने पर भगवान आत्मा अनुभव में आता है तो मौत भी नहीं दिखाई देती, वो मौत का भय भी दिखाई नहीं देता। जल्दी क्या क्या कहा? अभी आप मौत के भय से परेशान रहते, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, कब मरेंगे, क्या सुनाएंगे, क्यों मरेंगे? अब हम अमर भय न मरेंगे, उसकी एक बहुत सुंदर पंक्ति है। अब हम अमर भय न मरेंगे, बड़ा भक्त तन कारण मिथ्यात्म दियो तज। मौत का कारण है मिथ्यात्म, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज। तन मने नहीं, तत्कारण, तत्कारण तन हो जाता है संधि होने पर, समझ गए? तत्कारण, तत्कारण मने उसका कारण, काय के कारण, मृत्यु का कारण। तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे अब हम अमर भय न मरेंगे। मृत्यु भी नहीं रही और मृत्यु का क्यों, लगभग कितने समय बाद मर जाओगे तुम? कितने समय बाद मरोगे? लगभग लगभग अंदाज। मृत्यु नहीं रही, मृत्यु का भय नहीं रहा, हम आज तक मरे ही नहीं। मिथ्यात्व के कारण इसके छूटने का नाम मृत्यु है, छूट जाए। अब कैसे भय लगेगा बता? कर्णानियों से बोलो, आयु से पहले छूटेगी नहीं। बीमारी का बोलो, असाता से पहले बीमारी नहीं होगी। बोलो सारे उपाय करने पर भी साता से पहले स्वस्थ नहीं होगी, बताओ? अब क्या चिंता रह गई? अभी तुम्हें ऐसा लगता है अपन ब्रह्मचारी हो जाओ, फिर दवाई नहीं मिली तो क्या हुआ, डॉक्टर नहीं मिला तो क्या हुआ, फला नहीं है तो क्या हुआ, और सिर दबाने वाला नहीं मिला तो क्या होगा, हाथ पैर दबाने वाला नहीं मिला तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अरे हाँ बोलो, साता होगी स्वस्थ होंगी, साता से पहले कोई स्वस्थ नहीं जाएगा। क्यों? जो आईसीयू भर्ती कर देती है आईसीयू में, तो वहां पत्नी पैर दबा लेती है, नहीं बोलो सिर दबा देती है, बोलो कौन घुसता है? तुम्हारी झूठी है तैयारी, तुम्हारी स्वस्थ होने की तैयारी झूठी है। हाँ, साता से पहले स्वस्थ नहीं होंगी, असाता से ज्यादा बीमार नहीं होंगी, आयु कर्म से पहले देह नहीं छूटेगी, ज्ञानवर्णी किसी अवसर से ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, एक एक चीज सेट है। सोचो अत्यंत अभाव जानने पर कितना आनंद है, ये कीमत पर गया सब, पूरी सेट हो गई, अत्यंत अभाव में सब निकल रहा है, अब हम अमर हो गए। भोजन का क्या होगा पंडित जी, दीक्षा तो ले ले, फिर भोजन का क्या होगा? ए तो मत ले, तुम अब कुछ नहीं समझे भोजन का क्या होगा, तुम्हें पता है? तुम आदमियों से भोजन की व्यवस्था सोए, चिंटी की भोजन की व्यवस्था सोच के जन्म थी क्यों? और हाथी क्यों, हाथी कंप्लेन करता हूं मैं नहीं बन रहा हाथी, 40 किलो चाहिए खाने के लिए, कहां से मिलेगा?
बताओ कहां से मिलेगा? चींटी को कणवर और हाथी को मनवर मिलता है। और तुम जरा से दीक्षा लेने के नाम पे डर रहे हो, मत लेना। इस सम्यक ज्ञान इसका नाम है, अत्यंत भाव को जानने के बाद देर रहे चाहे अभी जाए, हमें क्या लेना। रहेगी लेकिन अच्छे से रहेगी लेकिन अंदर में, हाँ बोलो क्या बोल रहे, दो तीन बार कह चुके, मृत्यु भी नहीं, मृत्यु का भय भी नहीं है, रोग भी नहीं है और रोग का दुख भी नहीं है और दुख का क्या। मुनि दशा होगी मजेदार, काय में से निकल रही मुनि दशा, पढ़ो कितने निकालना बोलो। झूठी आज तजो नहीं जरूरत भी तुमको, बस झूठी आज तजो। क्या बताएं पंडित जी, काश कोई सहायक होता। सुनो पापोदय में कोई सहायक नहीं हुआ, कोई तो सहायता करे भैया, हम अकेले पड़ गए संसार में मनुष्य। सुनो तुमने पाप किए होंगे, कोई साथ नहीं देगा। क्यों, चिंटी को कौन साथ देता है, वृक्ष को कौन साथ देता है, नरक को कौन साथ देता है, मनुष्य गति में कौन साथ देता है। एक ध्यान रखो, पाप मत करो सुबह की भाषा में, पाप मत करो तुम्हें सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पुण्योदय में दंड का निमित्त नहीं होता। आगे समझ में अत्यंत समझ में आ रहा कुछ। अब थोड़ा पास चलो, अभी तक बहुत दूर चल रहे थे, अब शरीर के पास चलते। अत्यंत भाव आत्मा में और शरीर में अत्यंत भाव है। क्या कहा, आत्मा और शरीर में अत्यंत भाव। अभी तक तो दूर दूर की बात कर रहे, पत्नी बच्चे मकान दुकान घर सोना चांदी डॉक्टर, ये सब बहुत दूर के थे। अरंत सिद्ध आचार, ये सब दूर थे। अब जी पास, इसमें अब इसमें घटाव अत्यंत भाव। सुनो आत्मा शरीर को कुछ नहीं करता और शरीर भी आत्मा को कुछ नहीं करता, ये बेसिक लाइन। क्या नहीं करता, ये बेसिक लाइन में अर्थ करो, क्या नहीं करता, ज्ञान नहीं करता, सुख नहीं करता, उंगली नहीं हिलाता, बोलता नहीं है, सब लगाओ बेसिक लाइन बोलो। आत्मा शरीर का कुछ नहीं करता और शरीर भी आत्मा का कुछ नहीं करता। क्यों, शरीर क्या नहीं करता, एक आध पॉइंट बनाओ। संवर नहीं करता, देह की चाहे जितनी क्रियाकांड कर लो संवर नहीं होता। देह की चाहे जितनी क्रियाकांड कर लो, चाहे जितनी एक साल तक उपवास रहो, इतना शरीर कर्म नहीं करता। तुमने इतने उपवास करे वो बेकार, देह की अनंत क्रियाकांड करने पर भी आत्मा का इतना सा भला नहीं होता। जी बढ़िया होता जी, आप तो खूब खाएंगे तो खाने से ही भला नहीं होता। चलो जल्दी क्या कहें, हम त्यागने से तो भला नहीं होता, बहुत बड़ी तुम्हें नहीं लगता। अच्छा क्यों, तुम लोग व्रत उपवास करने लगे, तुम्हें नहीं लगता धर्मात्मा हो, नहीं लगता। पूजा करते हो एक घंटा रोज, दो घंटा रोज, नहीं लगता। दिल्ली से आके मैं सुधर गया, दो घंटा रोज भक्ति से पूजा करता हूँ, तो तुम कहा सोचते थे नाटक करने से धर्म हो जाएगा। अत्यंत अब समझ गए, देह की क्रिया से आत्मा का कुछ नहीं होता। क्या क्या नहीं होता, कुछ माने संभर निर्जरा, जल्दी नहीं, बहुत एक दस पांच घंटा बोले तो अभी काम है, तब भी नहीं होता, निर्जरा भी नहीं होती, यम भी नहीं होता, नियम भी नहीं होता, संयम भी नहीं होता, मुनि दशा भी नहीं होती। लो शरीर के नग्न होने से मुनि बना नहीं होता, समझे, लिस्ट बना दी हमने। हमसे कहो तो 10-20 घंटे प्रोजेक्ट करेंगे अब इसमें। यह है टीका करने का तरीका, यदि तुम चार अभाव पढ़ लो तो ऐसे टीका कर लो। एक ही शब्द पढ़ा रहे थे मैं, टीका होती चली आ रही है। क्यों, मुनि बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ये कपड़े उतारना पड़ती, झूठ बोलती है। शरीर पर से कपड़े उतारने से मुनि नहीं बनते, यदि नंगे होने से मुनि बने तो ये सब नंगे हैं। विक्षिप्त आदमी भी नंगा है, भोगों में अंधा आदमी भी नंगा है, नंगे होने से थोड़ी कुछ होता है। तुम्हारा इसी पे नजर है, तुम बड़ी साधना कर रहे, बड़ी साधना कर रहे, कपड़े उतार लिए, ठंड में सह रहे, बड़ी साधना नहीं है जी। सुनो, हाँ
शरीर के आचरण से इतना सा भी धर्म नहीं होता आत्मा का। तो मुनि दशा किसका नाम? अपरिभाषा बोलो मुनि दशा, क्यों सारी दुनिया तो यही देखेगी, पीजी का मंडल इधर देखेगी, अब तुम्हें भी लगेगा अपने से तो अच्छे। और क्या बोलते हो, इतनी तपस्या कर रहे, इतनी ठंड से आ रहे, करके तो बताओ। सुनो बहिरात्मा है, जो बाहर बाहर मुनि पना मानता है वो बहिरात्मा है। चलो बोलो बेटे मुनिराज की परिभाषा, हमें बोल के सोच के बोलो, तुम फाइनल के हो, शास्त्री फाइनल है तुम्हारी, बढ़िया परिभाषा बोलो अच्छी। अपने आत्मा के आश्रय का हमें अच्छे शब्द बोल दो, बढ़िया अच्छा बोलो, ठीक है बोलो, बढ़िया अच्छी भाषा बोलो। हाँ जी ये जवाब, तीन कसा चौपड़ी अभाव रू जो आत्मा की परिणति वो मुनि दशा है, चार कसा चौपड़ी अभाव रूप अरहंत दशा है आत्मा की, समोसरण से नहीं है अरहंत। चार कसा चौपड़ी अभाव रूप परिणति का नाम, दो कसा चौपड़ी अभाव रूप ब्रह्मचर्य, ये कसा चौपड़ी, ऐसे नहीं हमने शादी नहीं करी, शादी नहीं करी बस क्या हो गया, पॉइंट पॉइंट में एक कसाय चौकड़ी के अभाव में सम्यक, दो कसाय चौकड़ी के अभाव में श्रावक, उस परिणति का नाम अवक्तव्य है। हम कैसे समझाते हैं मुनि दशा अवक्तव्य है, तुम इधर इधर से देखोगे हमें अंदर से कह रहे हो, समझ में आया कुछ? देखो बेटे समझने ध्यान से, जो अभी ये चर्चा चल रही बहुत काम किया जो बता रहे, तुम यदि हमें यही यहीं से देखोगे ना, देखो केस ऐसे कर लेती, मुंडन करा लेती हैं, कोई एक टाइम खाती है, थोड़ा सा खाती है, ऐसे सो जाती है, ऐसे बैठ जाती है, ऐसे पर्वत में जाती है, तो तुम कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम इस चीज से नाप रहे हो ब्रह्मचर्य को। तुम्हें भी ये लगे अरे यार ब्रह्मचर्य हम नहीं ले रहे, बोले कहे यार थाली धो के पीना पड़ता आखिरी में, वो बर्तन धो के पीना पड़ता, ए तुमने ब्रह्मचर्य क्यों मान लिया इसको, थाली धो के पीने को ब्रह्मचर्य क्यों मान लिया, समझ गए? अरे वो बेकार ये नंगे पांव रहना, अच्छा नंगे पांव रहने ब्रह्मचर्य क्यों मान लिया तुमने, समझ गए? अवक्तव्य है, तुम जहां से देख रहे हो वहां से तो मुनि दशा भी नहीं है, ब्रह्मचर्य भी नहीं है, एक बार अच्छी भाषा बोलो मिथ्या दृष्टि भी नहीं। मिथ्या दृष्टि को तुम बाहर से नापोगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए तो परेशानी होती, ये भैया सम्यक दृष्टि से ही शादी करे थे, तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में क्या फर्क, वो दोनों ने शादी करी, इसलिए तो कह रहे तुम बाहर से मत नापो। किस किस को नहीं नापना बाहर से, लिस्ट बता बेटे, मिथ्या को भी बाहर से मत नापो, सम्यक को भी नापो मत, ब्रह्मचर्य को भी मत नापो, अणुव्रत को भी नहीं नापो, महाव्रत को भी मत नापो, आगे बोलते चलो, संयम तप नियम संयम त्याग तप ध्यान ज्ञान बैराग, किसी को बाहर से मत नापो, इतनी बड़ी लिस्ट बता दी इतनी जल्दी, अत्यंत अभाव नहीं, हम सब समझ गए, सब समझ गए, एक जोड़ी कपड़े रखने पड़ते हैं पहनने के लिए, एक चटाई सोना पड़ता है, हम समझ गए ब्रह्मचर्य नहीं समझे, कुछ समझ गए कुछ नहीं समझे। पंडित जी किसको कहते हैं, पंडित जी वो ही गादी बैठ के प्रवचन करते हैं, वो ही अरे तुम नहीं समझे कुछ। स्वामी जी किसको कहते हैं, स्वामी जी अंतर में देख के बोलते थे, स्वामी जी कहां देख के बोलते थे, और तुम 5 साल में शास्त्री हो जाओगे इसमें देख के बोलने लगो, अरे इधर देख के बोलोगे तब ज्ञानी बनोगे, नहीं नहीं पूरे पूछ लो आप, मेरे इतने फॉलोवर हैं 10 लाख, क्या कहता था व्हाट्सएप पे फेसबुक पे यूट्यूब पे, मेरे बहुत फॉलोवर हैं, बहुत चल रही मेरी दुकान। सुना इसको देखो, स्वामी जी इधर देख के बोलते थे उधर देख के नहीं बोलते थे, समझ आया? अत्यंत भाव कितना गरिष्ठ हुआ सोचो, अत्यंत भाव कितना मारे, स्वामी जी ऐसे कहते थे ये हरियाणा की भैंस है, निकाल से वो निकाल लो 75 लीटर। तुम तो 2-5 लीटर में थक जाता आदमी, जितना निकाल सकते निकालो, हरियाणा पंजाब की भैंस 75 लीटर दूध देती है, 125 लीटर दूध निकालते
ये अंगूठा दुखने लगता है निकालते समय, अंगूठे से निकालते ना ऐसे ऐसे, तो अंगूठे दुखने लगता है, तो मैं ताकत से निकाल रहा हूं। आया अत्यंत वासन में आया, इतना माल है, बहुत है बहुत, हमने तो लिस्ट बता दी। अब समझ गए, शरीर से आत्मा का काम नहीं होता और आत्मा से शरीर का काम नहीं होता, बहुत है। तो मैं पता नहीं कितने 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 ग्रंथ पढ़ा दिए तीन दिन में, एक 172 नंबर गाथा प्रवचन सार की, अलिंगरण कहलाती अलिंगरण, उसके बोल पढ़ा दिए तुम्हें। गेहूं से ज्ञान नहीं होता, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, क्यों नहीं होता? एक द्रव एक द्रव दूसरे को ज्ञान नहीं कराता, आंख से ज्ञान नहीं होता, कान से ज्ञान नहीं होता, क्यों नहीं होता? आंख परद्रव्य है, शास्त्र परद्रव्य है, प्रवचन सुनने से ज्ञान नहीं होता। सुनो अलिंगरण के बोल, के बोल है सीधे, क्या कह रहे, प्रवचन सुनने से ज्ञान नहीं होता। हमने फास्ट चला दी गाड़ी, यदि धीरे धीरे चलाएंगे तो फिर 10-25 दिन भी कम पड़ेंगे। अब तुम्हें मेहनत करना बाद में, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, पढ़ क्यों रहे स्वामी जी? क्या इसलिए तो पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, तो नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल मत पढ़, आत्मा में चले जाओ, जाओ मत पढ़, हम तो चाह रहे हैं आत्मा पढ़, इसे मत पढ़। प्रवचन सुनने से ज्ञान नहीं होता, मजा नहीं आया, प्रवचन बहुत बेकार था, अच्छा प्रवचन किया करो पंडित जी, अच्छा अच्छा क्या होता है, प्रवचन से ज्ञान नहीं होता। सुनो तुम्हें हमारे प्रवचन से कुछ नहीं हो सकता ना, तो भगवान की देवी ध्वनि से भी कुछ नहीं होगा। जब काम होता है ना तो देवी ध्वनि की भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा प्रवचन कैसे मानते लोग, अज्ञानी लोग, बहुत आसाया, बहुत दृष्टांत दिए, बहुत बढ़िया से अली खनिया दाना में एक आदमी आया, अब तो एक्सपायर हो गए, इंदौर से एक आदमी आया खनिया दाना, सहजता से प्रवचन उनका नाम ले लिया, नाम ले लिया, तो उस दिन की कैसेट ले गए 5-6 कैसेट ले गए 5-6 तो क्यों इतना अच्छा लगा उसका प्रवचन, क्या जिन्होंने हमें बताया 6 कैसेट करा के ले गए, 6 कैसेट अच्छा प्रवचन लगा क्या उन्हें, कितना अच्छा, तो क्या वो क्या उन्होंने क्या बताया, वो इसलिए ले गए 6 कि सब लोग वो बांटेंगे रिश्तेदारों, देखो सुमत प्रकाश जी मुझे जानते हैं, मेरा नाम लेते हैं प्रवचन में सुमत प्रकाश जी, मेरे बारे बार हमने भगवान आत्मा का वो सुनाई नहीं पड़ा, एक नाम बता दिया सुझट, समझ में आया कुछ? शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, गेहूं से ज्ञान नहीं होता, सूक्ष्म चर्चा, अभी सूक्ष्म चर्चा तो बहुत है, ज्ञान में गेह कृत असुप्ता नहीं होती, क्यों नहीं होती? अत्यंत अभाव है, ज्ञान में गेकृत असत्ता नहीं होती। सही में गाती हुई बैठो तो इतनी गाथाएं दिखती हैं, एक अत्यंत अभाव है। अब बोलो स्ट्रेस फ्री की दुकान खोल लो और जो कोई आए उसे अत्यंत अभाव समझाओ, तुम्हें अपनी मम्मी के दुख दूर करना है अत्यंत अभाव समझाओ, पर से सुख की आशा करना ही दुख है, और तुम्हारे अंदर सुख का भंडार है, भगवान आत्मा है, क्या बता दे। आगे समझ आ रहे अत्यंत वाह बहुत है, आत्मा भी शरीर का कुछ नहीं कर सकता। तुम क्या सोच रहे, क्या सकल सूरत बदलना अपने ज्ञान के बल पर कैसे नहीं कर पाया, उंगली हाथ नहीं हिला पाता, हाथ हिलते हुए हाथ में क्या था मैंने हिलाया, समय लगा लेने से ही, तो इससे तुम दुखी नहीं होगे, क्या करूं मैं शरीर में कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं पता नहीं था, अरे कुछ तुम पता होता तो भी कुछ नहीं कर पाते ऐसे मैं तुम चाय करके कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे चाहने से भी इसमें कुछ नहीं होगा, संयम नियम समझ गए, कुछ भी इससे नहीं होते। चलो चलते चलते पंडित जी बताओ, हम ज्ञान का अनुभव कर लेंगे तो फिर दर्द तो नहीं होगा,
वो अत्यंत अभाव ही नहीं जानती है। गाय का आलम्बन लेने वालों को इसका दर्द होगा कि नहीं होगा, ये तो हमारा प्रश्न ही झूठा है। ये तुमने क्या कह दिया, हमने गाय का अनुभव करेंगे तो सर में दर्द नहीं होगा। पंडित जी हम गाय का अनुभव करेंगे तो हमारी चप्पल से चोरी नहीं जाएंगे। वाक्य अत्यंत अभाव है, तुम कहां गाय लगा रहे कहां। हम तो ये कह रहे तुम गाय का अनुभव करोगे तो भी कर्म नहीं कटेंगे। ग्राहक अपना काम करेगा, कर्म कर्म का काम करेगा। तुमने ये क्यों लगा लिया, तुम एक कोई पूछ रहे थे ना अंत एक 48 मिनट के अंदर अंदर ध्यान लग जाए तो सब कर्म कट जाती, झूठी है बात। तुम आत्मा में मग्न रहे 1000 वर्ष तक, वो तो जब कर्म का हिसाब खत्म होगा जब ही होगा तुम मग्न मरे रहो। इधर मग्न होने से कर्म का क्या संबंध, हम 48 में यहां रम जाए वहां कर्म कर दें ऐसे थोड़ी पूछे। वो अपना काम करेंगे, अत्यंत अभाव है, इधर मग्न होंगे तो अपना काम होगा, उधर की वो जाने। फिर आदिनाथ भगवान गड़बड़ थी कहती, आदिनाथ भगवान जी 1000 वर्ष लगे। अरे दोनों स्वतंत्र हैं, मैं यहां ध्यान लगाऊंगा वहां कर्म कटेंगे ऐसा नहीं है। कर्म अपनी योग्यता से परिणमित होंगे, हम अपना ध्यान करेंगे। सब हम सब हम आत्मा का विचार करेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, मिथ्या कट जाएगा। ऐसा क्यों सोच रहे, मिथ्या को कटना हो कटे, नहीं कटना मत कट। हम मैं ज्ञायक हूं, समझ गए। यह है निर्विकल्प, अत्यंत भाव को जानकर निर्विकल्प हो गए। हमें चिंता ही नहीं कटेगा नहीं। क्यों, तुम जब किताब पढ़ते हो ऐसे सोचते हो मैं किताब पढ़ता जा रहा हूं अज्ञान अंधकार छटता जा रहा है। ऐसे पढ़ते ऐसे बन गया है, अब मिथ्या के जीवन हो मत मत। विचार करना बहुत अच्छा अच्छा अत्यंत भाव। तो जब चार भाव का नाम आता था हम तो जैसे रसगुल्ला हो जाता ना शक्कर की चाशनी, यहां से मजा आ रहा है। खूब मजा आता है, सच कहते हो तुम। कहो ना पूरी जिंदगी पढ़ाता रहा, तो पूरी जिंदगी पढ़ाता रहा, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा जी पढ़ाऊंगा, इसमें सब है पूरा, पूरे अनुयोग इसमें पूरा सब कुछ। निज निधि।